नमस्कार, आपला धुळे न्यूज मध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। आता पहा आजच्या ठळक घडामोडी। धोंडाच्या आमदार जयकुमार रावल यांच्या संकल्पनेतून स्वप्न साकार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा संपन्न। धोंडाच्या येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप स्मारकाचे लोकार्पण सोहळा केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले। धोंडाच्या जनतेचे आज स्वप्न माजी मंत्री जयकुमार रावल यांनी पूर्ण केले। आज शुक्रवारी 24/12/21 रोजी शहीद अब्दुल हमीद स्मारक पर्यटन विभागाच्या भव्य राजपथ बिपिनजी रावल मार्ग धोंडाच्या संस्थांचे राजे दौलतसिंह रावल या सर्वांच्या स्मारकांच्या लोकार्पण सोहळा देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। आमदार राजनाथ सिंह यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले। माजी मंत्री आमदार जयकुमार रावल, खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ आणि तलवार देऊन सत्कार करण्यात आला। धोंडाच्या नगर परिषदेच्या वतीने सुद्धा सत्कार केला। यावेळी माजी मंत्री जयकुमार रावल, धोंडाच्या शहराच्या नगराध्यक्ष नयन कुंवरताई रावल, खासदार सुभाष भामरे, उद्योगपती सरकार रावल, जीपी अध्यक्ष तुषार रंदे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नारायण पाटील, महापौर प्रदीप करपे, धोंडाचे पालिकेचे सर्व नगरसेवक, भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते व आदरणीय संख्येने नागरिक उपस्थित होते। तुम्ही सगळे कसे आहात? एकदम खूप छान, खूप छान, बहुत बहुत बड़ी सल्तनत के अहंकार को चूर करने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी ने किया। आज भी केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत के कण कण में छत्रपति महाराज शिवाजी की स्मृति विराजमान है। और हकीकत यह है कि जब भी मैं महाराष्ट्र की धरती पर आता हूं, छत्रपति महाराज जी की याद स्वाभाविक रूप से मुझे आती है और इस धरती पर आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं जय कुमार रावल, जो कि उन्होंने आज कितने सारे चीजों का लोकार्पण कराया है। सबके पीछे एक बड़ी कहानी है, सबके पीछे एक बड़ा इतिहास है। बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं, बहुत सारी नगर पालिकाओं को देखा है, नगर परिषदों को देखा है, नगर निगम को देखा है, लेकिन तो नैचा की इस नगर परिषद को देखकर सचमुच मैंने तो दांतों तली मूली दबा दी। किसी नगर परिषद की और 20 श्रेणी के नगर परिषद की सड़कें इतनी अच्छी हों इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह क्षेत्र मुझे मालूम है कि 20-25 साल पहले बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता और उस क्षेत्र की नगर परिषद का इतना शानदार विकास, इतनी अच्छी सड़कें, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बहनों भाइयों, अच्छी सड़कों की क्या अहमियत होती है मैं यह आपको बताना चाहता हूं। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था, अमेरिका धनवान है इसलिए यहां की सड़कें अच्छी नहीं है, अमेरिका धनवान है इस कारण यहां की सड़कें अच्छी हैं ऐसा नहीं है, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका धनवान है, यह बात कल किसी ने कही थी तो कैनेडी ने कही थी अमेरिका के, जिस कैनेडी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। और सचमुच हम धोंडाच्या को अथवा हिंदुस्तान को भी खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इनकी सड़कों को हमको ज्यादा से ज्यादा जितनी अच्छी से अच्छी बना सकते हैं हमको बनाना चाहिए। और मैं कह सकता हूं इसी महाराष्ट्र का सपूत जो इस समय राजमार्गों के निर्माण का काम कर रहे हैं, श्री नितिन जी गडकरी, पूरे हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूं सड़कों का निर्माण बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। और यह भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है तो महाराष्ट्र को ही प्राप्त हुआ है। हमारे पंत प्रधान मोदी जी के नेतृत्व में यह तपतारा काम तेजी से हिंदुस्तान में चल रहा है। आज इसी नगर परिषद में शिवाजी के स्मारक का लोकार्पण हुआ है और साथ ही साथ प्रतापी योद्धा महाराणा प्रताप की भी प्रतिमा का यहां पर अनावरण हुआ है। वह मेवाड़ के शासक थे, इसे आप अच्छी तरह जानते थे, जंगलों में दर दर भटके उन्होंने अपनी छोटी मासूम बच्चों को
घास की रोटी खाते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं कभी हारी है। ऐसी एक शख्सियत से का कैसा गहरा संबंध है, यह उन लोगों को जानकारी होगी जिन्होंने कि भारत के इतिहास के पन्नों को पलटा है। उदाहरण कई मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गहरे संबंधों के, लेकिन एक ही उदाहरण इस समय आपके सामने देना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जब अयोध्या से वनवास हुआ था तो उन्होंने अपने जिंदगी का कुछ समय आकर भी कहीं पर बिताया था, इसी नासिक के बगल में पंचवटी में आकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम देखना पड़ेगा। यही कारण है कि जब भी मैं महाराष्ट्र के किसी कार्यक्रम में आता हूं तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं मानता हूं यह जहां पर वीरों की धरती है महाराष्ट्र की, वहीं पर यह संतों की भी धरती है। यहां शौर्य, पराक्रम और अध्यात्म, इन तीनों का समन्वय इस महाराष्ट्र की धरती पर देखने को मिलता है, ऐसी मेरी मान्यता है। और मैं कह सकता हूं बहन भाइयों, जिस शिवाजी महाराज की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है सभी जानते हैं, भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी जानते हैं। भारत में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किसी ने की थी, ऐसी हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी ने ही हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। आज के बातमीपत्र संपले, पुनः भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात।